ओके सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ना, एमएसटी है ना, एमएसटी भी कहते हैं इसको हम। तो क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री? इट्स अ स्पैनिंग ट्री विथ मिनिमम वेट है ना, स्पैनिंग ट्री विथ मिनिमम वेट। और स्पैनिंग ट्री क्या है? इट्स अ ट्री है ना, इट्स अ ट्री। तो अच्छा ठीक है, ये सब बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है इसकी, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है ना। एमएसटी कहाँ यूज होता है ना? एमएसटी जो है ना वास्टली यूज होता है इन नेटवर्क डिजाइन है ना, टेलीफोन या केबल नेटवर्क डिजाइन करने में। या फिर आपने सुनी होगी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, वहां बहुत यूज होता है ये है ना। या फिर आपको बेस्ट में एग्जाम्पल दे दूं, ये यूज होता है रियल टाइम फेस ट्रैकिंग एंड वेरिफिकेशन, दैट इज ह्यूमन फेस को लोकेट करना इन वीडियो स्ट्रीम है ना, इसके एग्जाम्पल है। तो बहुत सारी ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है मिनिमम स्पेलिंग ट्री की, तो इसलिए हमको ये पढ़ना जरूरी हो जाता है ना ग्राफ थ्योरी में। ठीक है तो हम ये पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या है? स्पेनिंग ट्री विथ मिनिमम वेट है ना। तो स्पेनिंग ट्री क्या है? स्पेनिंग ट्री एक ट्री है ना, और ट्री क्या है? ट्री इज काइंड ऑफ अ ग्राफ विच हैज ऑल नोड्स कनेक्टेड एंड देयर इज अ नो साइकिल है ना। तो अब स्पैनिंग ट्री के ना एग्जाम्पल देखते हैं ना, स्पैनिंग ट्री ट्री है, ट्री के बारे में हम सबको पता है। स्पैनिंग ट्री के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे ना, एक ग्राफ बनाता हूं। सो लेट्स से ग्राफ है हमारा ये 0 1 2 3, 0 1 1 2, अनडायरेक्टेड है ना, अनडायरेक्टेड है ये। अच्छा तो स्पैनिंग ट्री क्या क्या होंगे इसके है ना, स्पैनिंग ट्री क्या क्या होंगे? मैंने क्या बोला, ट्री होगा ना, ट्री होगा, तो ट्री में क्या होगा? साइकिल नहीं होनी चाहिए और सारे कनेक्टेड होने चाहिए ना, सारे कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसका इसका स्पैनिंग ट्री क्या क्या पॉसिबल है? 0 1 2 3 है ना। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो ये क्या सारे कनेक्टेड है? यस, सारी वर्टेस आपस में कनेक्टेड है। क्या कोई साइकिल है? नहीं। तो इट्स अ वन ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, और मैं एग्जांपल लूं आपको, 0 1 2 3, इट इज आल्सो वन ऑफ द स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ है ना, ये भी कनेक्टेड है और कोई भी साइकिल नहीं है। अच्छा और देखें 0 1 2 3 है ना, ये भी एक एक स्पैनिंग ट्री का है ना। और बन सकते हैं क्या? बहुत सारे बन सकते हैं ना, एक और बना देते हैं चलो, 0 1 2 3, ये भी एक स्पैनिंग ट्री का है ना। सारे स्पैनिंग ट्री है, और भी स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। तो क्या है? सारे कनेक्टेड है, सारे कनेक्टेड है, देखो सारी सारी कनेक्टेड है आपस में, और देर इज नो साइकिल है ना, सारे वर्टेक्स हमने यूज कर लिए यहाँ पे, ये भी एक ग्राफ है ना, ये भी एक ग्राफ है। तो स्पैनिंग ट्रीज है सारे, सारी वर्टेक्स यहाँ पे यूज हो गए, देर विल बी देर इज नो साइकिल प्रेजेंट है ना। तो यार ये हम ना पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं, हमें कब कब बना पाते हैं ये? मैंने क्या, आपने अगर ये सारी वीडियोस पहले से देखते हुए आ रहे हो, कोर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो हमने क्या करा था, एक कनेक्टेड कंपोनेंट विद मिनिमम एज के लिए कितने एज चाहिए होगी हमको है ना। सपोज करो हमको एक ग्राफ से, हमें हमें कितने वर्टेक्स हैं इसमें ना, इसमें वर्टेक्स हैं कितनी, 4 वर्टेक्स हैं। तो मेरे को कनेक्टेड कनेक्टेड कंपोनेंट बनाना है विद मिनिमम एज, तो कितनी चाहिएगी मेरे को? 4 माइनस 1 है ना, 4 माइनस 1 एज चाहिए होंगी, 4 माइनस 1 एजेस चाहिए होंगी है ना। यानी कि अगर हमारे पास एन वर्टेक्स है, तो हमको एन माइनस वन मिनिमम एजेस चाहिए होंगी, सो डेट हमें कनेक्टेड कंपोनेंट बना ले है ना। ये हम पढ़ चुके हैं है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो हमें पता है कि हमें एक कनेक्टेड कंपोनेंट बनाना है विद मिनिमम एज, तो जितनी वर्टेक्स है उसमें से एक माइनस कर दो, उतने एजेस चाहिए होंगे। तो देखो इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, तो कितनी एज यूज कर रहे हैं हम सारे स्पैनिंग ट्री में? 3 है ना, 3 एजेस यूज कर रहे हैं, देख लो 3 कर रहे हैं है ना। तो चलो स्पैनिंग ट्री आई होप आपको समझ में आ गया है। अच्छा मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है वो वाला स्पैनिंग ट्री जिसमें मिनिमम वेट हो है ना। तो अभी तो ये अनवेटेड एजेस थी, बट वट इफ दिस एजिस हैव सम वेट है ना, अगर इन एजिस का कुछ वेट हुआ तो क्या होगा है ना। चलो वेट दे देते हैं इन एजिस को है ना, कि अगर हमने यहां से यहां ट्रेवल करा तो हमें कुछ कुछ अमाउंट ऑफ कॉस्ट पे करना पड़ेगा है ना। तो वेटेड एज बना देते हैं, इसका वेट दे देते हैं है ना, कुछ वेट दे देते हैं। तो इसका 5 दे दिया, लेट्स से इसका 2 दे दिया, इस वाली का 8 दे दिया है ना, इस वाली का क्या दे दिया, 9 दे दिया है ना, इस वाली एज का 1 दे दिया है ना, इस वाली का 10 दे दिया। अगर हमने ये वाला स्पेनिंग ट्री बनाया तो हम कौन कौन सी एज यूज कर रहे हैं? 5 वाली, 2 वाली, 1 वाली है ना। ये वाला स्पेनिंग ट्री बनाया तो कौन सी एज यूज कर रहे हैं हम? 5 वाली,
है ना, ये कौन सी है, नाइन वाली है ना, और कौन सी वाली, वन वाली है ना। ये वाला स्पेनिंग ट्री बनाया तो कौन कौन सी एजेस यूज कर रहे हैं हम, टू वाली है ना, एट वाली और टेन वाली है ना। ये वाला स्पेनिंग ट्री बनाया तो कौन सी यूज कर रहे हैं, तो इसमें कर रहे हैं हम टू वाली है ना, वन वाली एंड ये जो है ये वाली टेन वाली है ना। तो इस वाले स्पेनिंग ट्री में टोटल वेट कितना है, फाइव प्लस टू प्लस वन इज एट है ना, एट है। इस वाले स्पेनिंग ट्री में टोटल वेट कितना है, फिफ्टीन है ना, फाइव प्लस वन, फाइव प्लस नाइन प्लस वन है ना, फिफ्टीन। इस वाले में कितना है, ट्वेंटी है ना, इस वाले में कितना है, थर्टीन है ना। तो मिनिमम वेट कौन से वाले स्पेनिंग ट्री में है, मिनिमम वेट कौन से वाले स्पेनिंग ट्री में है, इस वाले में ना, इस वाले में देखो मिनिमम है नाइन है। तो जो ये वाला स्पेनिंग ट्री होगा ना, ये वाला स्पेनिंग ट्री होगा, ये हमारा मिनिमम स्पेनिंग ट्री होगा है ना, मिनिमम स्पेनिंग ट्री होगा। बस यही यही है हमारा मिनिमम स्पेनिंग ट्री। आई होप आपको समझ में आ गया कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है ना। सबसे पहले हमने देखा उसकी एप्लीकेशंस, हमने देखी ट्री क्या होता है, हमने देखा स्पेनिंग ट्री क्या होता है, हमने अब देख लिया फाइनली मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है ना। तो यही मिनिमम स्पेनिंग ट्री होता है, ठीक है। चलो तो एक और एग्जांपल देखते हैं ना, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको रब कर लेता हूं, एक और एग्जांपल देखते हैं फिर। ओके चलो एक और बनाते हैं, एक और स्पेनिंग एक और ग्राफ बनाते हैं इसका, फिर मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालेंगे है ना। सो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो ये ग्राफ हम बना देते हैं है ना, ये ग्राफ बना देते हैं, ये हमने ग्राफ बना दिया है ना। अच्छा स्पेनिंग ट्री, मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालने वाले हैं, स्पेनिंग ट्री तो निकाल लेंगे सारे, पर मिनिमम स्पेनिंग ट्री के लिए हमको वेट भी तो पता होना चाहिए ना। तो इन एजेस का वेट भी दे देते हैं कुछ। तो लेट से इसका दे दिया हमने 10, इसका दे दिया 2, इसका दे दिया 1, इसका दे दिया 8 है ना, इसका दे दिया 2, इसका दे दिया 8, इसका 5, 1 ना, और क्या इसका 3 दे देते हैं है ना। तो हमने सारी एजेस का क्या दे दिया, वेट दे दिया है ना। तो चलो अब इसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालते हैं ना, मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालते हैं। तो कितने वर्टेक्स हैं इसमें, कितने वर्टेक्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात वर्टेक्स हैं ना, सात वर्टेक्स है। तो हमको स्पेनिंग ट्री बनाना है, स्पेनिंग ट्री बनाना है तो हमको कितने एजेस चाहिए होंगे मिनिमम, जिससे हम स्पेनिंग ट्री बना पाए अपना, वही मिनिमम स्पेनिंग ट्री होगा। वेट देख लेंगे कौन सी सेलेक्ट करनी है, पर स्पेनिंग ट्री तो होता ही है ना मिनिमम स्पेनिंग ट्री। तो हमको हमको कितनी एजेस यूज करनी है, कितनी एजेस यूज करनी है, सिक्स एजेस यूज करनी है ना, सिक्स एजेस यूज करनी है एट द एंड, ठीक है भाई, ठीक है सिक्स एजेस यूज करनी है। तो ठीक है सिक्स एजेस यूज करके हम एक स्पेनिंग ट्री बनाएंगे विद मिनिमम वेट। तो कौन कौन सी वर्टेक्स हैं है ना, स्पेनिंग ट्री बना रहे हैं तो सारी सारी वर्टेक्स यूज होनी चाहिए ना। तो कौन कौन सी वर्टेक्स है हमारे पास, हमारे पास जीरो है, फाइव है, सिक्स है, वन है, टू है, थ्री है एंड फोर है ना। हमारे पास सिक्स वर्टेक्स, सिक्स एजेस यूज करनी है। तो मिनिमम मिनिमम वाली ना पहले यूज कर लेते हैं ना, स्मार्ट बनते हैं। तो देखो एक ये वाली एज यूज कर लेते हैं ना, इसका मिनिमम वेट है तो कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाली हमने यूज कर ली, ये वाली यूज कर ली हमने है ना। और कौन सी मिनिमम है, एक ये वाली यूज कर लेते हैं ना, एक ये वाली यूज कर लेते हैं। और कौन सी मिनिमम है ना, एक ये वाली कर लेते हैं। और हमने अभी तक कितनी कर ली, तीन कर ली, और ये हमने कर ली चार। कनेक्टेड भी होना चाहिए ना, कनेक्टेड भी होना चाहिए। और कौन सी यूज कर ले, ये वाली कर ले क्या, नहीं ये वाली करेंगे तो साइकिल बन जाएगी, तो ये वाली तो नहीं करेंगे, ये वाली तो नहीं करेंगे, साइकिल बन जाएगी इसमें। ये वाली कर लें या फिर ये वाली, ये कर लेते हैं है ना। और क्या करें, ये वाली करें या फिर ये वाली करें, ये कर लेते हैं है ना। आई थिंक एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये शायद एक इसका स्पेनिंग ट्री है। क्या क्या, सारी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है, कोई साइकिल है नहीं, सारी वर्टेक्स यूज कर ली, यस। तो क्या वेट, क्या वेट यूज कर पा रहे हैं, वन टू टू वन थ्री एंड एंड वॉट एंड 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 एट है ना। तो ये इसका एक स्पेनिंग ट्री, मिनिमम स्पेनिंग ट्री हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और आठ, क्या 17 वेट है इस मिनिमम स्पेनिंग ट्री का, शायद मेरे हिसाब से मैंने ठीक निकाला है, बाकी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है। तो ये वाला एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री हमने निकाल लिया है, इसका वेट क्या है 17 है ना। हो सकता है कोई और भी
17 वेट का आपको मिल जाए, है ना, तो वो भी एक आंसर करेक्ट होगा। आपको सारी वर्टेस यूज करनी है, 6 एजेस यूज करनी है और वेट उसका 17 वाला अगर कोई और मिल जाए तो वो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, बट 17 से कम मिल जाए तो ये वाला नहीं है ना। चलो तो ये हो गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, है ना। तो इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को निकालने के लिए हम दो एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे आगे इस कोर्स में। क्या क्या? एक तो पढ़ेंगे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, है ना, और एक पढ़ेंगे प्रिम्स, है ना, प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो ये सब आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको MST क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।